हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की ये जो क्लास होगी, इस क्लास में हम कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड की एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, कविता की व्याख्या देखेंगे, कविता का संदर्भ देखेंगे और साथ ही साथ कविता का प्रसंग देखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, और मुझे सारे बच्चों के कमेंट्स मिलते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि मैम बिहार बोर्ड की बुक पढ़ाइए। तो बेटा, जैसे यूपी बोर्ड ख़त्म होता है उसके बाद हमारे बिहार बोर्ड की बुक पढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की यूपी बोर्ड की बुक्स भी पढ़ाई जाएंगी। सो डोंट वरी, आपको एग्ज़ाम से पहले सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी इस क्लास को बहुत, और हाँ, साथ ही साथ में आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन या जो आपका व्याकरण वाला हिस्सा है, मैं वो भी पढ़ाती जा रही हूँ, तो आपको उसको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि वो तो यूपी, बिहार, राजस्थान सबकी एक जैसी होती है, तो व्याकरण सबको पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो चलिए इस चैनल को शेयर, सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो बच्चों, आज की हमारी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है, झांसी की रानी, हम सभी जानते हैं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, तो ये जो कविता है ये रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के ऊपर ही लिखी गई है। इस कहानी में, सॉरी, इस कविता में, इस कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो अधिकतर वीर रस की कविताएं ही लिखती हैं। तो अब हम जानेंगे इस कविता में कवयित्री ने क्या लिखा है। जैसे हम इस कविता के शीर्षक से ही समझ पा रहे हैं कि झांसी की रानी की समाधि पर। समाधि मतलब है उनका, उनके मरणोपरांत जो उनकी समाधि बनाई गई थी। तो अब ये जो कविता है, इस कविता को कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के प्रति अपना प्रेम और अपना श्रद्धा का भाव दर्शाया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कविता पढ़ेंगे। अब इस कविता में बच्चों जो भी कठिन शब्द आएंगे मैं आपको उनका हिंदी अर्थ बताऊंगी। अब आपको यहाँ पर एक एक लाइन की व्याख्या करवाई जाएगी। अब आपको यहीं पर व्याख्या को समझना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, व्याख्या को रटने की कोशिश करते हैं। तो आपको रटना नहीं है, अगर आपने व्याख्या यहीं से समझ ली, जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो यहीं से समझ ली, तो आपको इससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए आपसे इसका उत्तर जरूर ही बन जाएगा। तो कोशिश करना, जो कविताएं होती हैं उन कविताओं को रटने से बेहतर है आप उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, लिखा हुआ है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है यही है, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी के। ठीक है, इसमें आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि इसमें झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है किस तरह से हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से भिड़ पड़ी थी। ठीक है, तो इस कविता में बताया कि किस तरह से, जब वो जिस युद्ध भूमि में उनका युद्ध चल रहा था, तो जहाँ उनकी उनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ वो शहीद हुई थी, तो वहीं पर जाकर एक समाधि, उन्हीं की समाधि पर जाकर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। कवयित्री कह रहे हैं कि ये जो समाधि आपको दिखाई दे रही है, इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की राख की ढेरी छिपी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। और कवयित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने स्वयं जलकर, अर्थात स्वयं अपने प्राणों को निछावर करके एक स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। दिव्य आरती मतलब कि उनके बाद से भारत के बहुत सारे लोग थे जिनमें स्वतंत्रता के लिए जिनमें जोश आया था। लोग सोचने लगे थे कि जब झांसी की रानी एक महिला होकर, एक स्त्री होकर, जब वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकते हैं तो हम तो और भी ज़्यादा सक्षम है युद्ध करने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने सारे देश के युवाओं में, देश के जितने भी युवा पीढ़ी थी, यानी देश के जितने भी लोग थे, उनके सबके मन में एक स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी थी। मतलब उसके बाद सबके मन में स्वतंत्रता को प्राप्त करने की अभिलाषा
अभिलाषा दहक उठी थी। ठीक है, कवयित्री कहती है कि ये जो समाधि आपको दिखाई दे रही है, समाधि में एक जो राख की ढेरी है, वो राख की ढेरी हमारे देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हैं, और जिन्होंने स्वयं अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे देश में चारों तरफ स्वतंत्रता का परचम लहराया था। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवयित्री कह रही है यह जो आपको समाधि दिखाई दे रही है, यह समाधि, यह जो छोटी सी समाधि है, यह झांसी की रानी की समाधि है। समाधि जो व्यक्ति के मरणोपरांत जहाँ पर उनका उनकी अस्थियों को बनाया जाता है, वह उसे हम एक समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर बताया कि ये जो आपको छोटी सी समाधि दिखाई दे रही है, यह समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। यह लीला स्थली, यही उनकी अंतिम लीला स्थली, मतलब यहीं पर इसी भूमि पर लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। और ये कौन है? लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दानी का तात्पर्य यहाँ पर उनके वीरता, उनके शौर्य से, किस तरह उन्होंने पूरी वीरता और साहस के साथ वो अंग्रेजों का उन्होंने सामना किया और अंतिम वक्त में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण मातृभूमि के रक्षा के लिए कुर्बान कर दिए, न्यौछावर कर दिए। ठीक है, कवयित्री कह रही है यह समाधि में छिपी जो ये जो समाधि है, इसमें एक राख की ढेर छिपी हुई है, और इस राख की ढेर कौन है? वो है झांसी की रानी की समाधि। और जो स्वयं जलकर, अर्थात जो स्वयं अपने प्राणों को निछावर करके पूरे देश में उन्होंने स्वतंत्रता का परचम लहराया था, मतलब उनके बाद से हमारे देश के युवाओं में स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक अभिलाषा चमक उठी थी। और ये जो समाधि है, जो छोटी सी समाधि है, ये झांसी की रानी की समाधि है, और ये उनकी अंतिम लीला, मतलब यहीं पर लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। ठीक है, आगे लिखा है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति साला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति साला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है यही कहीं पर बिखर गई वह विघ्न भग्न विजय माला, मतलब कि टूटी हुई विजय माला सी है। भग्न मतलब होता है टूटना, ठीक है, तो टूटी हुई विजय माला अर्थात जीत की माला, विजय मतलब होता है जीत। तो कवयित्री कह रही है अब वो यहाँ पर इसी स्थान पर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। तो लिखा है कि यहाँ पर कवयित्री ने उनकी तुलना एक फूल से की है, कह रही है कि यहीं कहीं वह लड़ते लड़ते बिखर गई थी एक टूटी हुई विजय माला के समान, अर्थात यही वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति साला सी, और उनके जो फूल हैं, उनके अस्थियों के जो फूल हैं, वो यहीं पर संचित अर्थात यहीं पर इकट्ठे किए हैं उनकी स्मृति के रूप में, उनकी स्मृति मतलब उनकी याद के रूप में। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वह वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवयित्री यहाँ पर कह रही है कि उन्होंने अंत तक, उन्होंने इतनी वीरता, इतने शौर्य के साथ युद्ध किया कि वो अंत तक, उन्होंने जितने उन पर प्रहार कर किए गए, चोट किए गए, वो अंत तक उन चोट को सहती नहीं, और अंत में वह एक वीर बाला, मतलब एक वीरांगना बाला की तरह लड़ते लड़ते शहीद हो गई। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और किस प्रकार से वो जैसे कोई आग होती है, आग में हम आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, जब हम आहुति देते हैं, उसी के घटना का वर्णन यहाँ पर कवयित्री ने किया है। कवयित्री कह रही है किस प्रकार वो एक युद्ध की एक ज्वाला में वो आहुति बनकर गिर पड़ी थी, और वो आग के जैसे चमक उठी थी, जैसे जब आहुति डालते हैं तो चिंगारी निकलती है, वैसे ही उनके जो जब उनके प्राण जब वो उन्होंने इतनी शौर्य से, इतनी वीरता के साथ युद्ध किया था कि वो एक वीर बाला की तरह उनकी जो ज्वाला थी, उनकी जो आग थी, वो पूरे देश में चमक उठी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कविता का संदर्भ क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। संदर्भ में हम बात करते हैं कि इस कविता में कवयित्री ने कविता कहाँ से ली है और इसे कवयित्री कौन सी, ये सारी बातें हम कहाँ लिखते हैं, संदर्भ में। क्या है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में, आपको याद रखना है जब भी आप कविता, आपके परीक्षा में कविता आती है तो आपको कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, और उसके बाद अंत में उस कविता का काव्यगत सौंदर्य लिखना होगा। काव्यगत सौंदर्य में आपको बताना होगा कविता में छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है।
ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। संदर्भ है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतार रहते हैं, यानी झांसी की रानी कविता से ली गई है। यह कविता उनके त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि झांसी की रानी की समाधि पर कविता कवयित्री के किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये उनकी त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। बच्चों, जब भी आप कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा उसके कवि के बारे में जानना होगा। आपके परीक्षाओं में अक्सर कवि का कवि परिचय या फिर कवयित्री का जीवन परिचय पूछा जाता है, तो आप लोगों को वो याद करना है। मैंने इस चैनल पे कुछ वीडियोस भी डाले हुए हैं, कुछ क्लासेस भी डाली हुई हैं, आपको बताया है किस तरह से आपको कवि का कवि परिचय याद रखना है और कुछ महत्वपूर्ण कवियों के कवि परिचय भी आपको लिखवाए गए हैं। तो ध्यान रहना, आपको परीक्षाओं में कवि का कवि परिचय पूछा जाता है और वो आपकी पुस्तक में भी लिखा होता है, तो याद से उसको पढ़ भी लेना, ठीक है। जैसे इसकी कवयित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसमें आपको बताना होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्मतिथि क्या है, उनका जन्म स्थान कौन सा है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी हैं, साथ ही साथ उनका हमारे हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, ये सारी बातें आपको कवयित्री के बारे में बतानी होंगी, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इस कविता का प्रसंग क्या होगा। प्रसंग में हम देखेंगे कि इस पूरी कविता में कवयित्री ने किन किन बातों का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। प्रसंग है, इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम कविता को पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि इसमें कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी की समाधि पर जाकर उनके प्रति भावपूर्ण यानी श्रद्धापूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, ठीक है। चलिए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। अब कवयित्री कहती हैं, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवयित्री कहती है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में, रण अर्थात युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में। तो यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि जो वीर होते हैं उन वीरों का मान सम्मान और अधिक बढ़ जाता है जब वो युद्ध भूमि में बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। कवयित्री कह रही हैं कि जो वीर होते हैं उनका वीर का मान सम्मान और अधिक तब बढ़ जाता है जब वो युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, अब उदाहरण देखिए क्या समझाया कि जिस प्रकार जो सोना होता है, सोने की जो भस्म होती है अथवा सोने की जो राख होती है वो सोने से भी ज़्यादा अधिक मूल्यवान होती है, उसी प्रकार जो वीर होते हैं उन वीरों का मान और अधिक बढ़ जाता है जब वो युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, ठीक है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, कवयित्री कह रहे हैं कि अब रानी अर्थात झांसी की रानी से भी ज़्यादा हमें प्यारी अब उनकी ये समाधि है, क्योंकि इसी समाधि पर, इसी स्थान पर उन्होंने लड़ते लड़ते भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया हुआ था। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, वो कह रही हैं कि यहाँ पर निहित अर्थात समाई हुई है, यहाँ पर मतलब कि झांसी की रानी की समाधि पर स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी, मतलब अब लोगों के मन में आशा एक चिंगारी उत्पन्न हुई थी कि अब हमारा देश अंग्रेजों से के गुलामी से आज़ाद हो जाएगा, अर्थात अब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो ये सारी बातें कवयित्री कह रही हैं कि जो वीर युद्ध भूमि में बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं उनका मान सम्मान और अधिक बढ़ जाता है, जिस प्रकार जो सोना होता है सोने से भी मूल्यवान, सोने की भस्म होती है, सोने की राख होती है, उसी प्रकार अब हमें रानी से भी ज़्यादा प्यारी उनकी ये समाधि है और इस समाधि में समाई हुई है हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक आशा की चिंगारी, ठीक है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं, लिखती हैं, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की बानी।
ठीक है। यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि हमारे जग में झांसी की रानी की समाधि से भी अधिक और सुंदर सुंदर समाधियाँ हैं। बहुत सारे वीर पुरुष हुए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, तो हमारे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी समाधियाँ, ऐसे सुंदर सुंदर समाधियाँ हैं, लेकिन वो जो समाधियाँ हैं उनपे निशीत मतलब कि आधी रात में। कवयित्री कह रही हैं कि झांसी की रानी की समाधि से भी और सुंदर सुंदर समाधियाँ हमारे इस जग में हैं, लेकिन उनकी उनकी जो वो जो अन्य समाधियाँ हैं उन पर क्षुद्र जंतु मतलब कि अजीब तरह के कीड़े मकोड़े छिपकली ही रात में गीत गाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, लेकिन गिरा गिरा मतलब होता है वाणी। कवयित्री कह रही हैं लेकिन ये जो समाधि है, इस समाधि में कवियों की अमर वाणी में वीरांगना की स्वतंत्रता की, उनके वीरता उनके शौर्य की ये कहानी बतलाई जा रही है। और जहाँ पर स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की वाणी, और इस समाधि पर जो कवि होते हैं उनकी अमृत वाणी में वीर पुरुषों की अर्थात वीरांगना लक्ष्मी बाई की प्रति स्नेह और श्रद्धा से उनकी वीर गाथाएं गाए जाती हैं। वो कह रही हैं कि हमारे विश्व में इससे बहुत अधिक अधिक सुंदर समाधियां हैं, लेकिन अन्य समाधियों पर छोटे छोटे क्षुद्र जीव ही रात को आधी रात्रि में गाना गाते हैं, लेकिन ये जो वीर पुरुष होते हैं, जो हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, ऐसे वीर पुरुषों के लिए कि हमारे देश के जो बड़े बड़े महान कवि हैं वो अपनी अमृत वाणी में उनके प्रति श्रद्धा और आदर के भाव के साथ उनकी वीर गाथाएं लिखते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, बुंदी लेहर बोलो के मो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहती झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पर कवयित्री कह रहे हैं कि बुंदेले, अब जो झांसी की रानी थी वो बुंदेलखंड से थी, ठीक है, सुना होगा, तो बुंदेलखंड के हर मुख से, हर बोलो मतलब कि प्रत्येक मुख से, बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुख से हमने उनकी वीर गाथा की कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली लड़ी, कि वो जो मर्दानी का तात्पर्य यहाँ पर वीरता और शौर्य से है। कवयित्री कह रही हैं कि जो हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुख से एक ही बात सुनी है कि वह तो वीरता और शौर्य के साथ लड़ी, वो थी हमारी झांसी की रानी, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने युद्ध किया और लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हमारे देश की खातिर। यह समाधि, यह चिर समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी। और यह जो समाधि दिख रही है, यह चिर समाधि, चिर मतलब कि हमेशा से, यह समाधि किसकी है, झांसी की रानी, और यही उनकी अंतिम लीला स्थली मतलब कि यही अंतिम कर्म स्थली है, और इसी पर, इसी जगह पर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। तो यहाँ पर लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का कहना है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो समाधि है, ये समाधि झांसी की रानी की समाधि है, और हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुख से एक ही बात सुनी है कि वो तो वीरता के साथ, शौर्य के साथ लड़ी थी, वो कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के मध्य युद्ध छेड़ा था और अंतिम में अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी थी। और ये जो समाधि दिखाई दे रही है, समाधि उन्हीं झांसी की रानी की समाधि, और यह उनकी अंतिम कर्म स्थली मतलब यहीं पर युद्ध कर लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई थी। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी कविता। कविता का शीर्षक था झांसी की रानी की समाधि पर। कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अब इस कविता में हमने सब कुछ पढ़ा, कविता की व्याख्या पढ़ी, कविता का संदर्भ प्रसंग पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कविता है, इस कविता की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या करना है, जल्दी से इस कविता को, इस वीडियो को, इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में, तब तक